नमस्कार, मैं सद्दाम खान और आप देख रहे हैं खबर सुपर न्यूज। आज लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय तिसिया के प्रांगण में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन प्रबंधन पदाधिकारी अरविंद कुमार उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को जल जंगल जमीन बचाव से संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक करने के दिशा में कार्य किया गया। आइए दिखाते हैं आपको हम पूरी मामला। खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। तिसिया सलैया गांव के जंगल में मेरी लाइफ के तहत वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्ष रक्षाबंधन के कार्यक्रम में DFO अरविंद कुमार ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय तिसिया के प्रांगण में मेरी लाइफ के तहत वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोहरदगा वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार उपस्थित हुए। इस दौरान सैकड़ों सखुआ व शाल का पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर स्थानीय ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया और बताया गया कि जल प्रकृति शान है, इसलिए हम सभी लोगों को जंगल की रक्षा करना कर्तव्य बनता है। इसके अलावा जल जंगल बचाव से संबंधित जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके बाद DFO ने बिक्रेटिंग प्लांट सेट का जायजा लिया और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर लोहरदगा वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार, संजू कुमार वनरक्षी, चंद्रशेखर महतो, संदीप कुमार राम, महावीर उरांव, सरिता खाखा, अनीता लकड़ा के अलावे राजेंद्र यादव, कुंवर सिंह, अंत बैठा, सोमराव उरांव के साथ भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा किस्को से सद्दाम खान की रिपोर्ट। यह आज रक्षाबंधन किए हैं, इसलिए आप लोग जंगलों को कभी नहीं काटे, जंगलों को रक्षा करें। जान रहे हैं कि जंगलों से कितने बड़े बड़े आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी मिलती है आप लोग को सामने नजर आते हैं कि आज महुआ का जो डोरी का जो खल्ली होता है, कुसुम में जो लाह का उत्पादन होता है और बड़े बड़े सताव का भी रहते हैं। ये बहुत सैकड़ों ऐसा चीज है जो जंगल से हम लोग को मिलते हैं और जंगल को हम बचाएंगे तो जंगल में हम जानते हैं कि हमारे पक्षी पशु पक्षी भी रहते हैं। मोर मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है जो हमारे बीच में आपके बगल में ही जो बसे हुए हैं। इसे बहुत खुशी की बात है कि आपके जंगल बहुत हरा भरा है और आप जंगल की रक्षा कर रहे हैं। हमारे साहब लोग, हमारे सर लोग आप लोगों से बड़ी खुश हुए। आप लोग से मैं ये आशा करता हूँ किसी तरह से भविष्य में आप लोग आए मीटिंग में, बैठक में आकर के और जंगलों के विषय में समझें और जंगलों को बचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं सभी हमारे ग्रामीण और हमारे सभी अधिकारीगण को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति की रक्षा में हम कितना सहयोग करें और अपनी आदत को इस तरह से बना लें कि ये प्रकृति के अनुरूप हो। तो आज़ादी के 75 साल के बाद एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया है, मेरी लाइफ। लाइफ मतलब कि लाइफ ऐसा बना ले जो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। तो इसके तहत 75 किस्म के पॉइंट इकट्ठा किए गए हैं जो हम लोग जानते हैं लेकिन उसको भूल जाते थे। जैसे उसमें ऊर्जा की बचत है, जल की बचत है और प्राकृतिक संसाधन की बचत है। ये सब बचत हम लोग करें और अपना व्यवहार ऐसा रखें कि हम लोग कम संसाधन में सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और प्रकृति को बचाने में एक अहम योगदान है रक्षाबंधन का। जैसे रक्षाबंधन में बहन भाइयों के कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है ताकि भाई उनकी रक्षा करें, इसी तरह हम लोग प्रकृति में अभी साल के पेड़ में बांधे हैं ताकि साल का पेड़ भविष्य में हमको इतना हवा और जल दे कि हम लोग को दिक्कत ना हो, हम लोग अच्छे से रह पाए। तो हम लोग प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भविष्य में प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और कुल मिला के है कि जीवन के लिए भोजन के अलावा हवा और पानी की बहुत आवश्यकता होती है और ये दोनों चीज़ की पूर्ति जंगल से होता है। तो हम लोग जंगल बचाएंगे तो जंगल से हवा अच्छा मिलेगा और पानी ज़्यादा मिलेगा जो हमारे खेती में फ़ायदा होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। तो यही उद्देश्य है हम लोग का कि वन है तो जल है और जल है तो कल है, माने हमारे आने वाला जिंदगी है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।